हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 11 हिंदी के सिलेबस के बारे में, जो आपके लिए 2022 के लिए जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। इस बार आपके पूरा नया सिलेबस आ चुका है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम आते हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी वो सैद्धांतिक होगी, लिखित परीक्षा होगी, और आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और आपके 100 नंबर का जो पेपर होगा। ये जो बॉक्स है आपके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बॉक्स को आप समझ लोगे तो आप सिलेबस को भी आसानी से समझ जाओगे। सबसे पहले है आपके एपटित जो है 20 नंबर का। एपटित क्या होता है? जो आपने नहीं पढ़ा हो वो आएगा आपके 20 नंबर का। फिर दूसरा पोर्शन है आपके लिए रचनात्मक तथा व्यावहारिक लेखन। जो आपकी रचना और व्यवहार है उसके आधार पर आपको लेख करना होगा, वो होगा 25 नंबर का। दूसरी बात है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1, जो आपकी बुक है आरोह वो होगी आपके 40 नंबर की। फिर आपके एक पूरक पुस्तक है वितान, वो आपकी होगी 15 नंबर की। अब हम इनको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे लिए एपटित, जो आपने कभी नहीं पढ़ा उसका है। सबसे पहला काव्यांश 18 से 20 पंक्तियाँ, काव्यांश पर आधारित अर्थग्रहण, सौंदर्य बोध और काव्य रीति पर 5 लघुरात्मक प्रश्न। इसका अर्थ काव्यांश क्या होता है? काव्य का आपको एक अंश दिया जाएगा, जैसे मीरा सूरदास उनके जो काव्य के अंश होंगे वो आपको एक काव्य का अंश दिया जाएगा, और उस पर आधारित आपको है 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के। दूसरा गद्यांश 200 से 225 शब्द, गद्यांश पर आधारित बोध, पदवाक्य, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर 5 लघुरात्मक प्रश्न। आपको एक गद्य का अंश दिया जाएगा, वो होगा आपके 200 से 225 शब्द का, और उस पर आधारित आपको 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो कितने नंबर के होंगे? 10। तो इस तरह से आपका एपटित सेक्शन है वो कुल मिला के 20 नंबर का होगा। दूसरी चीज है रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। सबसे पहला है निबंध, आधुनिक विषय पर विकल्प सहित, जो होगा आपके 10 नंबर का। आपको एक निबंध दिया जाएगा, 4-5 निबंध देंगे, इसमें से आपको एक निबंध करना होगा और वो होगा 10 नंबर का। दूसरा है कार्यालय पत्र विकल्प सहित, वो होगा आपके 5 नंबर का। तीसरी चीज है आपके प्रिंट माध्यम के फीचर, समाचार और संपादकीय, ये होगा आपके 5 नंबर का। चौथी चीज है आपके प्रतिवेदन जो आलेख होते हैं वो होगा 5 नंबर का। इस तरह से आपके रचनात्मक तथा व्यावहारिक लेखन है जो आपके कितने नंबर का है? कुल मिला के 25 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। तीसरा है आपके आरोह, काव्य भाग 20 अंक और गद्य भाग 20 अंक। आरोह जो किताब है वो आपकी 40 नंबर की होगी, उसमें काव्य भाग के आपके 20 नंबर होंगे और गद्य भाग के भी 20 अंक होंगे। सबसे पहला है 2 काव्यांशों में से किसी एक पर अर्थग्रहण के 4 प्रश्न। आपको 2 काव्यांश हो गए, उसमें से किसी एक पर आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो होगे कुल मिला के आपके 8 नंबर के। दूसरा है 2 में से काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 2 प्रश्न 6 नंबर के। आपको 2 काव्यांश होंगे, उसमें से आपको सौंदर्य बोध पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर के। तीसरा है कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये आगे आपके 6 नंबर के। लघुत्तरात्मक प्रश्न किसे बोलते हैं? जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट अति लघुत्तरात्मक और शॉर्ट होते हैं लघुत्तरात्मक। ये तो था आपके काव्य भाग। अब आता है आपके गद्य भाग, उसके अंदर भी 2 है। पहला है 2 में से 1 गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधित 4 प्रश्न 8 नंबर के। आपको 4 प्रश्न देंगे 2-2 नंबर के, वो होंगे 8 नंबर का। दूसरा है पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 5 में से 4 बोधात्मक प्रश्न, जो होंगे आपके 12 नंबर के, और जो आएंगे 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और वो होगा 12 नंबर का। इस तरह से आपकी जो आरोह है किताब है वो पूरी 40 नंबर की है। अब हम आते हैं चौथा वितान। पहला है पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न। आपको 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न देंगे, उसमें से आपको 3 करना होगा और वो कितने होंगे? 9 नंबर के। 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। दूसरा है विषय वस्तु पर आधारित 2 में से 1 निबंधात्मक प्रश्न,
ये जो आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं बड़े बड़े, वो आएगा आपको दो में से एक निबंधात्मक प्रश्न करना होगा और वो होगा 6 नंबर के। तो इस तरह से आपके जो वितान है वो 15 नंबर की होगी बुक, और आरोह होगी जो 40 नंबर की होगी, और रचनात्मक तथा व्यावहारिक लेखन होगा जो 25 नंबर का होगा, और अपठित होगा जो 20 नंबर का होगा। इस तरह से आपके 2022 के अंदर कक्षा 11वीं के लिए हिंदी का ये सिलेबस रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।